हेलो फ्रेंड्स, आई एम सैम खान। फोटोशॉप के एक नए ट्यूटोरियल के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आज हम फोटोशॉप में 3D ट्रायंगल बनाना सीखेंगे और उसमें कुछ फ़ोटो मैनिपुलेशन करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फोटोशॉप ओपन किया, उसके बाद मैंने क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स किया। मेरे पास 2018 फोटोशॉप है, इसलिए इसका इस तरीके से व्यू आता है। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स किया मैंने और यहाँ से मैंने इसको कस्टम साइज़ कर लिया। 10 इंच बाय 10 इंच की मैं इसका एक पेज ले लेता हूँ। 300 रेजोल्यूशन एंड RGB कलर, चलें क्रिएट किया मैंने। क्रिएट करने के बाद मैं सबसे पहले मैंने इसके बाद एक नई लेयर ली और उसके बाद मुझे चाहिए शेप, ट्रायंगल का एक शेप चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको प्रेस करके रखूँगा तो सबसे एंड में यहाँ पर कस्टम शेप टूल के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे जो है शेप्स आ रहे हैं। अगर आपके पास ना आ रहे हो तो यहाँ पर प्रेस करने के बाद आप ऑल करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास भी सारे शेप शो हो जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रायंगल सेलेक्ट किया और ट्रायंगल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये रहा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रायंगल बनाता हूँ पेज के सेंटर में। ये मैंने ट्रायंगल बना लिया। कलर आप कोई भी ले सकते हैं, ब्लैक ले लें, ब्लू ले लें, जो आपका दिल करे वो आप कलर ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक गाइडलाइन लगाई और मुझे अब रोटेट करना है इस ट्रायंगल को। तो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया, कंट्रोल टी या कमांड टी किया और शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको रोटेट करना शुरू किया। शिफ्ट से ये फ़ायदा होता है कि हमारी एक्यूरेट अलाइनमेंट होती है इसकी। अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करूँगा तो ये देखें इस तरीके से रफली ये होगी और मैं कभी भी इसको स्ट्रेट नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए फिर से मैंने इसको कंट्रोल टी और कमांड टी किया और उसको शिफ्ट प्रेस करके रोटेट किया। रोटेट करने के बाद मैं इसको इस ग्रिड से लगा के चेक करूँगा कि ये मेरा स्ट्रेट है या नहीं है। तो ये मैंने चेक कर लिया, ये मेरा स्ट्रेट हो गया और इसको मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद मैं ये गाइड की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये गाइड फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है लेकिन ज़रूरत हो भी सकती है। चलें अभी अंदर वाली लाइन से मैंने इसको अलाइन कर दिया। यहाँ पर हमने ट्रायंगल को रख दिया यहाँ पर। अब मैं एक नई लेयर, एक और न्यू लेयर ली और उसके बाद अब मुझे लाइन चाहिए। यहाँ से प्रेस करके रखूँगा तो ये लाइन टूल आ गया मेरे पास। लाइन टूल लेने के बाद मुझे इसको 3D बनाना है क्योंकि इसलिए मैं नई लेयर पे सारे काम करूँगा। तो न्यू लेयर पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ और यहाँ से मैंने इसको इसका सरफेस, टॉप सरफेस बनाया मैंने इसका अंदाजे से, जिस तरीके से अगर आपके समझ में ना आए तो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ बस आपने उसको फॉलो करना है। फिर इसके यहाँ मैंने इसके पॉइंट को छोड़ दिया, फिर यहीं से सेकंड लाइन को कंटिन्यू करूँगा और सेम विड्थ को यहाँ से मैंने अंदाजे से यहाँ इसको ड्रॉप किया। उसके बाद फिर मैं थर्ड लाइन बनाऊँगा इसी तरीके से अंदाजे से, इसी तरीके से बाकी लाइन भी बनाऊँगा। कोशिश मेरी ये होनी चाहिए कि ऊपर का और नीचे का जो इसकी विड्थ है वो सेम रहे, अदरवाइज़ अगर थोड़ी कम ज़्यादा भी हो जाती है तो डजेंट मैटर। उसके बाद यहाँ से पॉइंट लेके मैंने फिर यहाँ पर इसको ड्रॉप किया और लास्ट लाइन मैंने इसको ऊपर वाले सब फर्स्ट पॉइंट से इसको मैंने मिला दी। अब मैं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है शेप की, इस लेयर की, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, लेकिन ये गाइड की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बाद अब ये जितने भी शेप्स हैं मेरे पास, इन सारे शेप्स को मैं मर्ज कर लूँगा कंट्रोल ई या कमांड ई करके। ये मर्ज शेप्स का ऑप्शन आ रहा है, इसमें कंट्रोल ई या कमांड ई मैक में करते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी लाइंस को सिलेक्ट कर लिया, एक ही लेयर में मेरे पास सारी लाइंस आ गई हैं। अब मुझे इसकी डेप्थ बनानी है, इसके अंदर की लाइंस बनानी है, इसको 3D थोड़ा सा क्रिएट करना है। तो मैं इस पॉइंट से ही शुरू करूँगा जहाँ से मैंने पहले शुरू किया था। उसके बाद मुझे देखना ये है कि जो लेफ़्ट साइड से जो मेरी जो स्टार्टिंग पॉइंट जितना हिस्से पर है जो इसकी विड्थ है, तो एंड पॉइंट भी मेरा उतनी ही विड्थ का ही हो तकरीबन। जैसे यहाँ पर मेरा पॉइंट यहाँ पर आई थिंक सही आ रही है इसकी विड्थ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ तो ऊपर का हिस्सा तो मेरा पतला हो जाएगा लेकिन नीचे वाला हिस्सा, ये वाला शेप जो है मेरा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं ख़राब नहीं करूँगा, मैं अपनी विड्थ को, इस बॉक्स के विड्थ को सेम रखूँगा। यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप कर दिया मैंने इसकी सेकेंड लाइन को। इसी तरीके से अब मुझे दूसरी वाली तरफ की शेप बनाना है, तो यहाँ से ही फिर मैंने इसको इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसकी बेस को देखा मैंने कि कहाँ पर, अगर मैं यहाँ करूँगा तो वही शेप का मसला है कि यहाँ कम हो जाएगी और यहाँ ज़्यादा विड्थ हो जाएगी इसकी। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर आई थिंक
ड्रॉप कर दिया, स्टॉप कर दिया मैंने इसके यहाँ पर। उसके बाद फिर राइट साइड वाली लाइन को मुझे क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ में बॉटम से मैंने लिया और शिफ्ट प्रेस करके मैं ऊपर तक इसको ले गया टॉप तक। अब मुझे इसकी गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसकी गाइडलाइन को हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद मैंने यहाँ पर, उसके बाद अब मुझे ये तो टॉप सरफेस हो गया, अब मुझे इनसाइड की डिटेल बनानी है मुझे इसकी। तो सबसे पहले मैंने फिर इसकी यहाँ की जितनी विड्थ मेरी यहाँ की थी उतनी तकरीबन कमोबेश उतनी ही रखनी है मुझे, तो इसलिए मैंने अंदाजे से यहाँ से लाइन खींची और यहाँ नीचे तक ले गया। इसी तरीके से फिर मैं टॉप सरफेस का, अब मुझे डेप्थ बनानी है यहाँ की, तो अब मैं इसी तरीके से डेप्थ बनाऊँगा अंदाजे से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसकी लाइन को बना देता हूँ ताकि यहाँ की डेप्थ आ जाए। अब मुझे ये बॉटम के ऊपर का सरफेस चाहिए, तो मैं इसी तरीके से इस लाइन को भी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं ले जाऊँगा, मैंने ऊपर का सरफेस बना दिया। अब मुझे क्या करना है कि ये सारे शेप जो मेरे पास अलग आ रहे हैं, ये देखें, ये सारे शेप्स को दोबारा से मैं सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई या कमांड ई या यहाँ से जाके मर्ज शेप कर देंगे। जब मैंने मर्ज शेप कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास एक ही लेयर में ये सारी मेरे पास आ गई हैं लाइंस। अब मुझे क्या करना है कि जस्ट इस पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद मुझे रेस्टराइज लेयर करना है। तो रेस्टराइज लेयर पर मैंने जब इस पर क्लिक किया तो ये सारी लाइंस मेरे पास रेस्टराइज हो गई हैं, ये देखें आप। अब मुझे इसके बाद अब मुझे चाहिए रबर, तो रबर के लिए मैं ई प्रेस कर दूँगा या मैं यहाँ से जाके रबर को सिलेक्ट कर लूँगा। सब सिलेक्ट करने के बाद मुझे हार्ड रबर चाहिए, हार्ड राउंडेड, हार्डनेस 100% हो, इसका साइज़ मैं अपने हिसाब से देख लूँगा जो मुझे चाहिए, रिक्वायरमेंट जो मेरी है। अब मैं इसकी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो मैं इसको मिटा दूँगा, इरेज कर दूँगा, क्योंकि मैं इस ट्राइंगल को तीन हिस्सों में डिवाइड करूँगा ताकि हमें समझने में आसानी रहे। सबसे पहले मैं इसका टॉप सरफेस को क्लियर करता हूँ ताकि आपके समझ में आए शेप। थोड़ी सी लाइंस अगर मिट भी रही हैं तो डजंट मैटर, क्योंकि हम दोबारा से इसको सही कर देंगे अपने पास से। ये हमारा टॉप सरफेस हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक सरफेस हो गया। उसके बाद ये सेकंड सरफेस मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, सेकंड पोर्शन, ये मैंने इसको मिटाया यहाँ से और ये हिस्सा को क्लियर कर दिया। ये वाली लाइन भी मिटेगी। अब ये सेकंड मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया। अब रह गया थर्ड, मेरा थर्ड यहाँ, ये वाला हिस्सा मेरा थर्ड कहलाएगा, थर्ड पार्ट। ये रबर को मैंने इसको रबर से मिटाया और ये एक्स्ट्रा लाइन जो भी है इसकी ये मैंने मिटा दी। ये मेरा 3D, तकरीबन 3D एंगल मेरा तैयार हो गया है। अब अभी आपके शायद समझ में ना आ रहा हो, मैं इसको 3 डिफरेंट लेयर पे अलग अलग कलर करके आपको मैं दिखाता हूँ। या मैंने एक नई लेयर क्रिएट करी और पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया, पेन टूल पी से पी प्रेस कर देंगे या यहाँ से आके पेन टूल को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा पेन टूल आ जाएगा। ये मैंने एक नई लेयर ली है और इसको मैं सबसे पहले इसका टॉप पार्ट को क्रिएट कर रहा हूँ ताकि हमें इसके डिफरेंशिएट कर सकें हम इसके पार्ट्स को। ये मैंने इसको ड्रॉ किया और इसको यहाँ से लाके मिला दिया। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि सेम आ जाए तो अच्छा है ताकि बाकी शेप बनाने में भी हमें आसानी रहे। इसके पॉइंट्स को मैंने यहाँ रख दिया। उसके बाद अब मैं सेलेक्ट कर लूँगा इसको, कंट्रोल इंटर मैं इस पर प्रेस करूँगा, कंट्रोल या कमांड इंटर मैं इस पर प्रेस करूँगा तो सिलेक्शन आ जाएगी मेरे पास। और मैंने यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट किया और मैंने इस पर ब्लू कलर पुट कर दिया। ये हमारा हो गया टॉप सरफेस, तो मैं इसको टॉप, इस लेयर को मैं टॉप का नाम दे देता हूँ। ये हमारा टॉप हो गया। उसके बाद हम मैं इसकी एक और नई लेयर क्रिएट की, मैंने कमांड शिफ्ट एन भी कर सकते हैं न्यू लेयर के लिए। मैंने फिर से पेन टूल लिया और पेन टूल मैं इसके ही एज से मिला के
अब मैंने दोबारा इसका दूसरा पार्ट इसका रिड्रॉ कर रहा हूँ मैं इस पर। कोशिश करना है कि इसके एज के बिल्कुल पास करीब हो ताकि हमें कोई गैप ना मिले इसके अंदर। तो फिर से दोबारा से कंट्रोल एंटर करूँगा तो ये हमारी सिलेक्शन बन जाएगी और मैं इसको यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए। ये दूसरा कलर दूसरी लेयर में आ गया। तो मैं इस लेयर को लेफ्ट का नाम दे देता हूँ। लेफ्ट पार्ट हो गया, ये हमारा लेफ्ट पार्ट है। उसके बाद अब मैं एक और नई लेयर ली मैंने और फिर से पेन टूल लिया और इसका थर्ड पार्ट मैंने क्रिएट किया और उसका नाम मैं रखूँगा राइट। एक लेफ्ट हो जाएगा, एक राइट हो जाएगा और एक टॉप हो जाएगा। ये मैंने इसको रिड्रॉ किया यहाँ पर और थर्ड पार्ट में फिर से कंट्रोल इंटर की प्रेस किया मैंने तो मेरे पास एक और सिलेक्शन आ गई है। ये मेरे पास ग्रीन, ये मैंने थर्ड पार्ट इसका ग्रीन कर दिया ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मेरे कौन सा पार्ट किधर है और कौन सी एज मुझे कहां पर जाके मिल रही है। तो जो नीचे मेरे पास इन तीनों के नीचे जो मेरे ब्लैक आउटलाइन थी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको भी ऑफ़ कर दिया। सिर्फ इन तीन पार्ट्स को मैंने ऑन किया लेयर्स को और इनको एक ग्रुप में करके सेंट्रलाइज कर लूँगा मैं इसको। कमांड ए किया और मैंने इसको पेज के सेंटर में कर दिया ताकि अच्छा रहे। मैं इसके बाद एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ। बिफोर स्टार्ट द मैनिपुलेशन पहले मैंने 3D ट्राइंगल बना लिया है, उसके बाद अब मैं इसका बैकग्राउंड की एक लेयर बना देता हूँ यहाँ पर कोई सी भी। तो मैं ग्रेडियंट कर देता हूँ यहाँ से, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से ग्रे कलर, आई थिंक ग्रे इज बेस्ट। दूसरा कलर मैंने वाइट लिया यहाँ से ताकि आसानी रहे और मैंने इसको लीनियर से यहाँ से ग्रेडियंट कर दिया। समझ में नहीं आ रहा ये चीज़। तो मैं इसको जब रिवर्स कर दूंगा तो इसके बाद मेरी एजेस जो है वो ग्रे हो जाएंगी और सेंटर पार्ट मेरा जो है वो वाइट हो जाएगा। तो आई थिंक लुक बेटर। मैंने इसको प्रेस ओके किया, ये मेरी बैकग्राउंड बन गई है। बैकग्राउंड बनने के बाद अब मैं इस पर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करूँगा इन अपने पार्ट्स जो मैंने 3D ट्राइंगल बनाया है जूम करके इसको। इसके बाद मैंने यहाँ पर गया, फाइल में जाने के बाद मैं प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करूँगा और मेरे पास जो इसकी इमेजेस रखी हैं वहाँ से जाके मैं इम्पॉसिबल ट्राइंगल की जो मेरे पास इमेजेस हैं वो मैं पुट करूँगा। सबसे पहले मैं ये ब्लू ओशन के नाम से मेरे पास इमेज है, ये मैंने इसको प्लेस किया यहाँ पर और इसके सबसे पहले मैं इसके टॉप सरफेस जो है इसके ऊपर काम करूँगा। इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ, इसको कमांड शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो हमारा अनग्रुप हो जाएगा। तो टॉप लेयर पे मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा इस पार्ट पे और इसको मास्किंग कर दूँगा। मास्किंग पे क्लिक करूँगा तो ये इस मास्क के अंदर आ जाएगी। एक चीज़ समझ लें मास्क के बारे में कि जितना ब्लैक एरिया है इट्स मीन टू हाइड एंड वाइट एरिया इट्स मीन टू शो। तो जितना वाइट एरिया मेरे पास यहाँ नज़र आ रहा है तो वो सब मुझे शो कर हो जाएगा और ब्लैक एरिया जितना भी है वो सब मेरा हाइड कर देगा। अभी मैं अगर यहाँ पर इसको मूव करता हूँ तो ये मेरा मास्क भी इसके साथ मूव होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ अंदर की इमेज जो मास्किंग के अंदर की इमेज है सिर्फ वो मूव हो। तो इसके लिए मैं इसकी लॉक को ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से प्रेस करके लॉक कर देते हैं, यहीं से ख़त्म करते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा अपनी इमेज पर और यू कैन मूव एनीवेयर। तो यहाँ से मैंने किया और उसके बाद अब मैं इसके वाटर को सेट कर दूं थोड़ा सा, ये वाटर मेरा यहाँ तक आ जाएगा। यस दिस इज लुक बेटर, आई थिंक ये बेहतर लग रहा है। और भी हम इसको मूव करके देख लेते हैं, क्या पता और अच्छा शेप हमें मिल जाए इसके अलावा। दिस इज लुक बेटर, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल आ रही है हमारे पास। तो ये मास्क हमारा यहाँ पर हो गया, मैं इसको दोबारा से लॉक कर दिया। उसके बाद अब मैं इसके एक और इमेज को लेता हूँ और यहाँ पर इसके बॉटम पे लगाता हूँ, बॉटम और लेफ्ट और राइट दूसरी इमेजेस पे। अब मैं एक और इमेज पे गया फिर से फाइल में जाने के बाद प्लेस एम्बेडेड, उसके बाद फिर मैंने ये दूसरी एक इमेज यही इमेज को दोबारा से मैं प्लेस कर लेता हूँ ताकि मैं इसकी
इसके जो ये लेफ्ट पार्ट है हमारा, इस पर हम इसको मास्क कर सकें। तो लेफ़्ट पार्ट पे मैंने इसको सिलेक्शन बनाई और इस इमेज पे दोबारा से हमने मास्क किया, तो यही इमेज हमारे पास यहाँ आ गई। लेकिन इस बार हमें क्या करना है कि इस इमेज को रोटेट कर देना है, इस तरह से रोटेट कर देंगे हम इस इमेज को, तो हमारी इसके अंदर कलर डिटेलिंग और दूसरी चीज़ें अच्छे से शो हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ से इसको रोटेट कर दिया, यहाँ पर इमेज हमारी ख़त्म हो रही है, तो कोई इशू नहीं है। वैसे भी हमारे को हमें यहाँ पर दूसरी एक इमेज यहाँ पर लगानी है, तो हम वो दूसरी इमेज यहाँ पर लगा देते हैं, प्लेस करते हैं यहाँ पर, एम्बेडेड प्लेस करते हैं। ये हमारे पास अंडर वाटर इमेज है, प्लेस की मैंने इसमें यहाँ पर, और इस इमेज को छोटा किया, ट्रांसफॉर्म किया, और यहाँ पर इसको हमें सेट करना है। तो मैं फिर से लेफ़्ट एरिया को मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर इस इमेज को क्लिक करने के बाद मास्किंग पर क्लिक करूँगा, तो ये मेरा मास्क हो जाएगा ये एरिया। अब मैं दोबारा से इसके लॉक को ख़त्म करने के बाद मैं इस इमेज को सेट करूँगा कि मुझे कितना एरिया ग्रीन चाहिए और कितना ब्लू चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ लुक बेटर। ये मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया इसको, हाइट इसकी बढ़ा दी, ठीक है जी। यहाँ पर ये हो गया, लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ फ्रेश कट नज़र आ रहा है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इस मास्क के ऊपर जाके और मैं इसको यहाँ से मर्ज कर दूँगा। मैं ब्रश लिया, मैंने सबसे पहले ब्रश सेलेक्ट किया और उसका साइज़ छोटा किया, और यहाँ से मैंने इसको सॉफ्ट राउंडेड ब्रश सेलेक्ट किया ताकि मैं ईजीली इसको मर्ज कर सकूँ। और मैंने यहाँ से इसकी ओपेसिटी 100% कर दी, फ्लो भी 100% कर दिया, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लूँगा, और यहाँ से मैं इसको मर्ज करना स्टार्ट करूँगा। यहाँ से मैंने इसको मर्ज कर दिया इस इमेज को पीछे वाली इमेज के साथ, तो आई थिंक दिस इज़ गुड। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमारा जो राइट पार्ट है वो रह गया, जो हम मास्किंग करते जाएँ उसको हम दोबारा से लॉक लगाते जाएंगे। उसके बाद राइट साइड का पार्ट रह गया हमारे पास, फाइल में जाएंगे, दोबारा से प्लेस एम्बेडेड करेंगे और राइट साइड के पार्ट को हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये एक और इमेज मेरे पास है, मैंने इसको प्लेस किया, और प्लेस करने के बाद मैंने इसको राइट साइड पे मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया अपने हिसाब से और इसको इस तरीके से मूव कर लिया। और अब मेरे पास राइट पार्ट कौन सा है, ग्रीन वाला मौजूद है, तो ये ग्रीन वाले को मैंने कंट्रोल दबा के प्रेस किया, इस लेयर पे गया, इसकी आई ओपन करी, और इसके बाद इसको मास्क पे जब क्लिक करूँगा तो इस तरीके से हमारी इमेज बन जाएगी। इसका लॉक ख़त्म करने के बाद मैं अब इसकी सेटिंग करूँगा कि मुझे देखूँगा कि आया कि इसकी कहाँ पर इसका सेट होगा, इसका वाटर किस तरह सेट होगा और कहाँ आएगा। तो अंडर वाटर के सीन है, इसलिए हम थोड़ा सा देखते हैं इसकी डिटेल किस तरह आना चाहिए इसका पानी। आई थिंक दिस इज़ बेटर, लेकिन ये ब्लू टोन से हट गया हमारे पास, ये ग्रीन हो गया। तो इसकी टोन को वापस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे, और यहाँ से जाने के बाद हम इसको सैचुरेशन पे क्लिक करेंगे। सैचुरेशन हमें सिर्फ इसी लेयर के लिए चाहिए, हम इसलिए इस पर क्लिक करेंगे, तो ये सिर्फ इसी लेयर पे ही इसका ही कलर चेंज करेगा। हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये देखें, और ये हमारी हो गई ब्लू टोन पर आ गई हमारे पास। ये देखें, ये बिफ़ोर है और ये आफ्टर है, दिस इज़ ग्रेट। अब मैं इन दोनों लेयर को पकड़ के लॉक कर देता हूँ, और उसके बाद अब मुझे यहाँ पर तो मेरा सरफेस यहाँ पर जो बॉटम आया है ग्रीनरी आ गई, लेकिन यहाँ पर भी शो होनी चाहिए। तो मैं इसी इमेज को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने की कमांड कंट्रोल जे या कमांड जे, या इस पे रख के यहाँ से लेयर पे सेलेक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास डुप्लीकेट हो जाएगी। मैं इसकी मास्किंग ख़त्म करता हूँ, डिलीट मास्क, और मैं इस इमेज को मुझे इसके ऊपर लेकर आना है, तो इसलिए मैं इसको ये अंडर इसको ये निकालता हूँ बाहर, और मुझे इसके थोड़ा सा शेप सही करना है, क्योंकि मुझे इस तरह चाहिए, तो मैं इसके शेप को इस ट्रायंगल के हिसाब से ही कन्वर्ट करूँगा। अब मुझे दोबारा से, ये राइट पार्ट था हमारा, इसलिए राइट पार्ट पे मैं दोबारा से कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा, और इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं मास्किंग पर क्लिक कर दूँगा। तो ये देखें, ये इस तरीके से हमारे पास इसका शेप आ गया और ये मर्ज हो गई, लेकिन अभी भी शार्प कट आ रहा है इसमें, तो इसलिए मैंने मास्किंग पे क्लिक किया, ब्रश सेलेक्ट किया अपना, और उसके बाद यहाँ से मैंने इसको मर्ज कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास डिटेल्ड भी आ गई, ये बॉटम भी इसका बन गया, रेडी हो गया, इसका टॉप लेफ्ट और राइट तीनों पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हमें करना क्या है,
کہ ہم نے اس میں اوشن اور واٹر تو ڈال دیا لیکن اب ہمیں اس کو تھوڑا سا بہت اسٹریٹ لائنز ہیں ہمارے پاس تو ہمیں اسے تھوڑا سا انویژول سا کرنا ہے تو ان کے تینوں جو میں نے کلر ڈالے تھے ان تینوں لیئرس کو میں آف کر دوں گا کیونکہ مجھے اب ان کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس ماسکنگ آلریڈی موجود ہے تو اب میں کیا کروں گا کہ اس پہ ویوس کا تھوڑا سا شیڈ دوں گا تو سب سے پہلے جو میرے پاس ٹاپ ایریا ہے ٹاپ ایریا کو میں یہاں پر میں نے اس کو ماسک پہ کلک کیا اور ماسک پہ کلک کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا زوم کرتا ہوں اور برش لیا میں نے اس کو برش کی تھوڑی سی ہارڈنیس اس طرح رکھی اور اس کو سائز کو کیا چھوٹا اب میں یہاں پر ویوس تھوڑی سی ویوس بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہمارا ریئل ایفیکٹ آ سکے یہاں پر میک شور کہ اس کے پر ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس کلر بلیک یا وائٹ ہو یہ ہمیں ایک چیز کا بس خیال رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ ٹاپ سرفیس ہے ہمارے پاس یہ اگر میں اس پہ کوئی بھی کام کروں گا تو سب سے پہلے مجھے اس کو میں سب سے اوپر لے جاؤں گا اٹھا کے تاکہ مجھے اس پہ چینجنگ نظر آئیں جب میں نے اس کو اوپر لے گیا یہاں سے تو ماسکنگ پہ میں کلک کروں گا پھر برش سلیکٹ کروں گا اور برش سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا ویوز بناؤں گا میک شیور کہ جب ہم اس پہ کلک کریں تو وائٹ مینس شو اور بلیک مینس ہائٹ تو ہمارے پاس اوپر جو ہمارے پاس کلر ہوگا فور گراؤنڈ پہ وہ ہمارے پاس وائٹ ہی ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس پہ چھوٹا اس کو سائز میں اور کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں کام میں آسانی رہے اس کے ایج کو میں بالکل کونے کو نہیں چھیڑوں گا اس کو سینٹر سے ہلکا سا اس طریقے سے شیپ دوں گا تاکہ ہمارا تھوڑا سا ریئل ایفیکٹ آ سکے واٹر کا ویوس کا میں اس پہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ اس سے بیٹر کر سکتے ہیں میں صرف طریقہ بتا رہا ہوں آپ انشاءاللہ اس سے بہتر کر پائیں گے فنیشنگ اس میں اور زیادہ آ سکتی ہے ہاں یہ اس طریقے سے ہمارے پاس آئے گا اب دوسری طرف ہمیں دوسری طرف اس طریقے سے ہلکا ہلکا شو کرنا ہے تو میں اس پہ ہلکا ہلکا سا اس پہ بھی ویوس بنا دیتا ہوں یہ دیکھیں تاکہ ایسا لگے کہ ہمارے پاس واٹر یہ اوپر سے آ رہا ہے یا اچھل رہا ہے انیوژل سا لگے تھوڑا ریئل ایفیکٹ دے اس کا یہ دیکھیں اچھا لگ رہا ہے اس طریقے سے ہم دوسری جگہ پہ بھی یہی کریں گے تو یہاں پر بھی ویوز ہم نے بنائی اپنے حساب سے جو ہمیں بہتر لگے جو آپ کو بہتر لگے اس طریقے سے بنائیں اس کا ایج زیادہ ہی خراب ہو گیا شاید ہم اس کو واپس لے آتے ہیں یہاں سے اچھا اس کے بعد اب ہم یہ اس کا یہ والا پارٹ رہ گیا ہمارا تو ہم اس پارٹ پہ بھی ہلکی ہلکی سی ویوز ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا ہم نے اس پہ یہ ہمارا ٹاپ کا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا اس پہ بھی ہم اس کا نام ٹاپ رکھ دیتے ہیں اس لیئر کا نام ٹاپ ہو گیا اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ لیئر آئی ہے اس پہ ہم رائٹ سائڈ کی یہ ہماری لیئر ہے رائٹ تو اس کی بھی ماسک پہ ہم نے کلک کیا اور برش سے اس کو زوم کرنے کے بعد اس پہ بھی ہلکی ہلکی سی ویوز ایفیکٹ دے دیا یہ دیکھیں یہ والا کیونکہ نیچے کا پارٹ ہمارا الگ ہے تو اس لیے ہمیں اس پارٹ کو الگ سے لے کے اس پہ ویوز بنانی ہے یہ والا پارٹ لیا اور میں نے اس کو یہاں سے اور یہ ہلکا سا میں نے اس پہ ایفیکٹ دے دیا یہاں پر بھی ویوز کا یہاں پر ہلکا سا تاکہ مرج ہو جائے اس کو تھوڑا سافٹ راؤنڈڈ برش کر لیتا ہوں میں تاکہ یہ ہلکا سا جیلن ہو جائے اس کے اندر یہ اس کے اندر مرج ہو گیا اب اسی طریقے سے اب میرے پاس جو دوسرا میرا پارٹ ہے اس کا یہ اس طرف کا پارٹ تو میں اس پہ آ جاتا ہوں اب اس پہ بھی ویوز بنا دیتا ہوں میں یہ برش سلیکٹ کیا میں نے اس پہ اور دوبارہ سے یہ دیکھیں میں نے اس پہ یہاں پر میں نے ویوز بنا دی
यहाँ पर वेव्स बन गई हैं। इसी तरीके से इस तरफ के हिस्से को भी मैं मुझे वेव्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हल्की हल्की सी मैं इसको यहाँ पर भी वेव्स दे दी। ठीक है, अब मेरे पास लास्ट पार्ट कौन सा बचा है मेरा, तो लास्ट पार्ट मेरे पास बचा है मेरा राइट साइड का पार्ट। लेफ्ट साइड का पार्ट मेरे पास अभी रिमेनिंग है, जो इस ये वाला पार्ट है। अब मैं इसको भी थोड़ा सा यहाँ से इसकी वेव्स बढ़ा देता हूँ, ताकि ये लगे कि ये भी रियल है। इसके बॉटम को मैं नहीं छेड़ूंगा बिल्कुल भी, इसको नहीं, कुछ नहीं करूँगा, पुश नहीं करूँगा। मेरे ख्याल में ये बेस्ट हो गया है। सिर्फ ये वाला पार्ट हमारे पास रह गया, हम इसको भी देख लेते हैं। राइट पार्ट है ये हमारे पास। इसके मास्क पे मैंने क्लिक किया, फिर ब्रश सेलेक्ट किया और मैंने इसको यहाँ से हल्की सी वेव्स बना दी। ये वेव्स हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करूँगा और मज़ीद तस्वीरें इसके अंदर ऐड करूँगा। तो फिर मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ, फाइल में जाने के बाद प्लेस एम्बेडेड करूँगा और यहाँ से मुझे टोटल एक टर्टल की इमेज है मेरे पास, ये मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पर और मैं इसको क्विक मास्क के थ्रू मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत स्मॉल चाहिए, छोटा चाहिए, इसलिए क्विक सिलेक्ट टूल मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो पेन टूल से कटिंग करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी सिलेक्शन भी बहुत अच्छी है। और ये यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैं डायरेक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मास्किंग पर क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा सारा मास्क हो जाएगा। और ये मैंने इसको स्मॉल किया ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी करने के बाद, फिर मैंने इसको राइट क्लिक किया, फिर इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया। हॉरिजॉन्टल करने के बाद मैं इसको और स्मॉल करके यहाँ पर रख देता हूँ, थोड़ा और छोटा करके यहाँ पर, ताकि ये लगे कि इसके अंदर है। अब मैं इसको इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी कम करूँगा, ताकि ये इसमें लगे कि वाटर के अंदर है, जैसे इस तरीके से। राइट, उसके बाद अब मैं सेकंड इसके अंदर क्या पुट करूँगा, प्लेस एम्बेडेड किया मैंने इसको, और उसके बाद मेरे पास एक फ़िश है, तो फ़िश को मैंने प्लेस किया। फ़िश को प्लेस करने के बाद मुझे इसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक ये ब्लू बैकग्राउंड पर ही है, इसलिए मैं इसको एज इट इज़ यहीं पर फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर रखा और फिश को मैंने थोड़ा सा प्रेस कर दिया यहाँ पर। और मेरा ये क्योंकि राइट पार्ट है, तो मैं इस पर क्लिक किया इस पर, ताकि आसानी से मास्किंग कर सकूँ, और मैंने यहाँ पर इसको मास्किंग से क्लिक कर दिया। और मैं इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूँगा और इसको जो शार्प एजेस आ रहे हैं इसके यहाँ पर, और मैं इसको ब्रश से इसको मास्किंग में हाइड कर दूँगा। तो मैंने ब्रश लिया, ब्रश के लेने के बाद सॉफ्ट राउंडेड ब्रश लिया, इसकी थोड़ी सी हार्डनेस और इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ाया मैंने, सॉफ्टनेस फुल कर देता हूँ मैं इसकी, ताकि इसके अंदर आसानी से मर्ज हो जाए। ये देखें, फिश आसानी से इसके अंदर मर्ज हो गई। और हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हार्ड हो गया स्क्रीन ओवरले, आई थिंक नॉर्मल इज़ बेस्ट। लाइटिंग भी सही नहीं आ रहा है, कलर डॉज भी सही नहीं आ रहा, तो हम इसको नॉर्मल ही रखते हैं और इसकी बस ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं, ताकि पता चले कि हल्के से फ़िश हैं यहाँ पर। इसका ब्लू एरिया हम चाहे तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर के हिस्से की हमारे पास इसकी थोड़ी सी शेप आ रहा है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है, जैसी है सही लग रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम इसको उसके बाद हमें देखते हैं क्या चीज़ें हमारे पास, प्लेस करते हैं, प्लेस एम्बेडेड, और ये हम यूज़ कर चुके हैं ये भी। उसके बाद हमारे पास एक शिप है और एक ये आइलैंड है, आइसबर्ग है, तो आइसबर्ग को लेते हैं। सबसे पहले प्लेस किया मैंने इसको और यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल टी करके ये ट्रांसफॉर्म किया, छोटा किया मैंने इसको। इसके ऊपर का पार्ट मैं अलग कर लूँगा और नीचे का पार्ट मैं अलग कर लूँगा, ताकि आसानी से पुट कर सकूँ। कंट्रोल टी किया मैंने इसको और यहाँ पर इसको मैंने बिठाने की कोशिश करी। ऊपर वाले पार्ट में मैं इसका ऊपर वाला पार्ट बिठा दूंगा और नीचे मैं इसको हल्का सा शेप करके मैं इसकी ओपेसिटी कम करके देख लेता हूँ कि मुझे कितने एरिया की ज़रूरत है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा किया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये इसको आई थिंक ये यहाँ रखता हूँ मैं, और इसको हल्का सा मास्क कर देता हूँ, थोड़ा सा और छोटा किया यहाँ पर मैं इसको, मैंने इसकी ओपेसिटी बढ़ाई
100% ओपेसिटी मैंने इसकी कर दी और क्विक मास्क के थ्रू मैंने इसको ऊपर से इसके क्लाउड मैंने सेलेक्ट किए और ये ऑल्ट से मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। इतना एरिया मैंने ले लिया इसका और ये एरिया भी, डार्क ब्लू एरिया भी मैंने इसका ले लिया और उसके बाद मैं इसको मास्क पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा मास्क जो मुझे चाहिए था वो हाइड हो गया। तो मैं मास्क पे कंट्रोल आई या कमांड आई करूँगा तो मेरा एरिया वापस आ जाएगा। ये एजेस हैं मैं ब्रश से इसको मिटा दूँगा। ये एरिया मैंने अपनी जो आइसबर्ग मैंने लिया था वो यहाँ पर मैंने इसको पुट किया और इसको हल्का सा और सॉफ्ट ब्रश से, ब्रश लेने के बाद मैंने इसको, ब्रश लेने के बाद मास्क पे क्लिक करूँगा और ये यहाँ से हल्का हल्का सा इसको मास्क कर दूँगा, मिटा दूँगा, इसको अनसाइड कर दूँगा मैं इसको। थोड़ी सी मैंने इसको बढ़ाया या आई थिंक यहीं पर ठीक है। मैंने इसके डुप्लीकेट ली, कंट्रोल जे या कमांड जे किया और इसको मैंने मास्किंग को डिलीट कर दिया। इसकी मास्किंग को डिलीट करने के बाद मुझे सिर्फ नीचे वाला पार्ट चाहिए, इसलिए मैं दोबारा से क्विक मास्क पे जाऊंगा और ये ऊपर का पार्ट सारा, ये सिर्फ नीचे का पार्ट सेलेक्ट कर लूँगा मैं इसका। आई थिंक दिस इज़ बेस्ट। मैं इसको मास्क कर देता हूँ, दोबारा से वही हुआ है इसलिए मैं दोबारा मास्क कंट्रोल आई या कमांड आई करूँगा तो ये मेरे पास रिवर्स आ गया। ये ब्रश लेके मैंने इसको मास्किंग की लेयर पे ही इसके एजेस को मैंने मिटा दिया। अब मैं इसके बॉटम एरिया को इस आइलैंड के बॉटम एरिया के साथ मर्ज करने की कोशिश करूँगा। इसको मैंने सबसे पहले इसकी ओपेसिटी कम की ताकि मुझे नज़र आए कि कहाँ तक ये काम करेगा। तो मैंने इसको हल्का सा रोटेट किया, ये पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसा है। मैंने इसको यहाँ से रखा और इसका इतना एरिया को मिटा दूंगा ताकि हल्का सा मुझे नज़र आए। फिर मैंने ब्रश लिया और ब्रश लेने के बाद मैं इसको इतने एरिया को जब मिटा दूंगा तो ये नीचे मेरे शो, इस नीचे वाले पार्ट में मेरे पास शो हो जाएगा। इसको मैं थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ तो देखें आपको नज़र आएगा। तो ऐसा कर लगेगा कंटिन्यू इसी के साथ नज़र आ रहा है। तो मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी और कम कर देता हूँ। राइट, आई थिंक दिस इज़ लुक बेटर। उसके बाद मेरे पास एक शेप रह गई है, वो शिप मैं इस पर प्लेस करता हूँ। फाइल में गया, फाइल में जाने प्लेस एम्बेडेड और ये शिप, शिप को भी मैं उसी तरह सेलेक्ट करूँगा क्विक सिलेक्शन टूल से। ये मेरे पास तकरीबन पूरी शिप आ गई, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको वही मास्क करूँगा। मैं इसको मास्क किया मैंने इस पूरी शिप को, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म किया और मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। हम यहाँ भी रख सकते हैं या फ्लिप करके इसको हॉरिजॉन्टल हम इसको यहाँ भी रख सकते हैं। तो जहाँ आपको बेटर लगे वहाँ आप रखें। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ ऑलरेडी फिश मौजूद है तो इसलिए हम इसको फ्लिप करके हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर ये आसानी से मर्ज हो जाएगी। तो ये नीचे शार्प कट आ रहा है तो मैं इसको मास्किंग में जाके मास्क पे मैंने लेयर पे सेलेक्ट किया और ब्रश लेने के बाद मैं इसको हल्के हल्का सा इसको मिटा दूंगा नीचे से ताकि ऐसा लगे कि ये वाटर के अंदर है। राइट, ये बेस्ट है। और उसके बाद अब हमें चाहिए थोड़ी सी इसके अंदर डिटेलिंग के, क्योंकि ये टॉप पर है इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सन फ्लेयर आ जाए थोड़ा सा। तो अब मुझे सन फ्लेयर इफेक्ट बनाना है तो इसलिए अब मैं जाऊंगा एडजस्टमेंट लेयर में। जाने के बाद मैं ग्रेडियंट के ऊपर गया, ग्रेडियंट इस पर ग्रेडियंट पे क्लिक किया मैंने और उसके बाद आई थिंक इस पर क्लिक किया और उसके बाद रेडियल कर दिया मैंने इसको रेडियल। अभी क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा हो गया इसलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ और रेडियल पर देखते हैं क्या स्केल तो बहुत वो हो रहा है। आई थिंक दिस इज़ बेटर। तो ये ज़्यादा हो गया शायद मेरे ख्याल में। तो हम एक काम करते हैं, इसको कस्टम कर लेते हैं इसको। तो ग्रीन कलर पे मैं गया और यहाँ पर मैंने इसको येलोइश थोड़ा सन फ्लेयर के लिए हिसाब से येलो दिया और दूसरी तरफ जो मेरा ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट में मैंने इसको लाइट ब्लू ले लेता हूँ आई थिंक, क्योंकि वाटर का कलर भी है इसलिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर है उस वाले से ज़्यादा। हम डायरेक्ट जो सेलेक्ट करेंगे तो उसमें दोनों तरफ कलर है, हमें एक तरफ ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो एनीवे
यहाँ पर मैंने इसको ओके किया और हम यहाँ पर इसको मूव भी कर सकते हैं और इसको स्केल भी कर सकते हैं कि हमें कितने बड़े साइज़ का ये चाहिए सन। तो आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा कम करके देख लेते हैं, 30 इज़ बेस्ट आई थिंक। और मैंने इसको ओके कर दिया और ओके करने के बाद मैं इसको मूव नहीं कर सकता जब तक मैं इस पर डबल क्लिक ना करूं। जब मैं डबल क्लिक कर लूँगा तो मैं इसको यहाँ से मूव कर सकता हूँ। और उसके बाद ओके किया और यहाँ से मैं इसको स्क्रीन कर देता हूँ। स्क्रीन आई थिंक स्क्रीन थोड़ा सा मर्ज हो गया, मैं इसको येलो थोड़ा बढ़ा देता हूँ, येलो को थोड़ा ऑरेंज शेड की तरफ ले जाता हूँ तो शायद थोड़ा सा विजिबल हो जाए हमारे पास। आई थिंक ये थोड़ा बेहतर लग रहा है स्क्रीन में, और हम इसको इसके थोड़े करीब कर देते हैं ताकि इस पर वाजे हो जाए इसके अंदर थोड़े शेड। अभी हम इसके जो हमने ग्रे किया था पहले बैकग्राउंड, हम इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर देते हैं थोड़ा ताकि इसका कलर थोड़ा बेस्ट हो जाए। यहाँ पर मैं इसको ग्रे कलर को यहाँ से जाके मैं इसको थोड़ा हल्का सा ब्लूइश टोन पे जब ले आऊँगा तो देखें। और दूसरी तरफ जो मेरा ट्रांसपेरेंट था तो ट्रांसपेरेंट को भी मैं हल्का सा ब्लूइश टोन पे ही लेके जाता हूँ, थोड़ा एक तरफ डार्क हो जाएगा तो दूसरी तरफ लाइट हो जाएगा, यही कर सकते हैं हम। और इसको आई थिंक दिस इज़ ग्रेट। तो ये हमने इसके बैकग्राउंड को कलर कर दिया है। उसके बाद हम इस पर दोबारा इस पर आते हैं ग्रेडियंट मैप पे, ग्रेडियंट मैप को देखते हैं हम कहाँ रखेंगे। ग्रेडियंट मैप हमने यहाँ रख दिया और उसके बाद हम इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे। थोड़ी सी कम करने के बाद अब हम इस पर थोड़े से क्लाउड ऐड कर देंगे। ये ग्राउंड शायद ज़्यादा ही ब्लू हो गया है तो आई थिंक इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, वाइट टोन पे ले जाते हैं हम इसको दूसरी वाली साइड को। तो वाइट टोन पे ले जाने के बाद हम इसको वाइट एरिया को कम करते हैं और ब्लू एरिया को हम ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये आई थिंक दिस इज़ लुक बेटर। उसके बाद अब हमें करना क्या है कि हम क्लाउड एड्स करेंगे। यहाँ पर क्लाउड्स थोड़े से हैं हमारे पास तो प्लेस एम्बेडेड करेंगे और क्लाउड, ये दो क्लाउड हैं हमारे पास, एक ये और एक ये, तो हम एक एक करके ले लेते हैं। ये क्लाउड हमारे पास आ गया, ये यहाँ पर है, एक क्लाउड यहाँ कर देते हैं और दूसरा हम ये फ्लेयर हटा के देखते हैं कि शायद फ्लेयर हटाने के बाद शायद ये क्लाउड विजिबल हो। तो आई थिंक फ्लेयर को हम लाइट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया शायद ये, तो हमने यहाँ पर ये लाइट कर दिया और यहाँ पर ताकि हल्का सा इसको हम यहाँ ले आते हैं क्लाउड इसके यहाँ पर, राइट। आई थिंक ये बेस्ट है। अब हम इसका शेड बना देते हैं। ये सब करने के बाद हम मैं नीचे वाली सबसे नीचे ग्राउंड वाली लेयर पे आता हूँ और इसका हल्का सा शेड बना देता हूँ। मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से एक शेड बनाने की कोशिश की यहाँ पर, और ये मैंने सेलेक्ट किया और आई थिंक यहाँ से यहाँ तक का एक शेड बनाता हूँ। मैंने एक नई लेयर ली यहाँ पर जाके, और ये करने के बाद कंट्रोल इंटर किया और डिफ़ॉल्ट कलर कमांड डी से, और फिर मैंने यहाँ पर ग्रे कलर सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस पर कंट्रोल बिग स्पेस और यहाँ पर करने के बाद मैंने इसको लाइट किया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से। यहाँ इस तरीके से हमारा ये थोड़ा सा इसका शेड रेडी हुआ है, लेकिन अभी इसको हम सेट करते हैं क्योंकि इतना हार्ड नहीं होता है। हम इसको रबर लेंगे, रबर लेने के बाद हमने इसका साइज़ को बड़ा किया, इसकी सॉफ्टनेस को बढ़ाया और इसको हल्का हल्का सा मिटा देंगे यहाँ से ताकि हल्का सा हमारे पास शेड मौजूद रहे। ये हमारे पास इसका शेड भी आ गया। अब हम इसके ग्राउंड पर थोड़ा सा टेक्स्चर लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे कैसा लगता है इसका टेक्स्चर। तो प्लेस एम्बेडेड किया मैंने और यहाँ पर हमारे पास एक ग्राउंड मौजूद है, ये ग्राउंड को मैंने यहाँ पर इसके नीचे पुट किया। थोड़ा सा मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, हल्का सा कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको दोबारा से ले लेते हैं। ये हमारे पास एक बैकग्राउंड है, कंट्रोल डी करके ट्रांसफॉर्म किया हमने इसको और हल्का सा इस तरीके से
तरीके से हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, प्रेस ओके। और इसके बाद ओके करने के बाद मैं इसे यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या मैं इसको स्क्रीन कर देता हूँ, आई थिंक मल्टीप्लाई बेहतर है। और इसकी ओपेसिटी में बिल्कुल लाइट कर देता हूँ, हल्की सी ओपेसिटी आए ताकि हल्का सा शेड आ जाए बस इसके ऊपर। मास्किंग पे क्लिक किया मैंने इसको, और ब्रश लिया मैंने, ब्रश लेने के बाद ब्रश का साइज़ बिग किया और मैंने इसको हल्का हल्का सा मिटाना शुरू किया इसके हार्ड एजेस को, ताकि थोड़ी सा रियल फील आ सके। ये सब कर लिया, हमारे पास तकरीबन इमेज रेडी है, बस फाइनल टच रह गया इसके ऊपर। मैंने इन सब इन सारी लेयर्स को एक ग्रुप में किया, ग्रुप करने के बाद मैंने इस ग्रुप का डुप्लीकेट किया कंट्रोल जे, मैंने इसको कंट्रोल जे किया तो डुप्लीकेट हो गया। और मैं इसको राइट क्लिक करके इसको मैं कर देता हूँ मर्ज ग्रुप, तो ये मर्ज ग्रुप करके मेरे पास एक लेयर आ गई, फाइनल लेयर एक इमेज आ गई जो मर्ज। इसकी एक शॉर्टकट कमांड ऑल्ट शिफ्ट ई भी ई को हम प्रेस करेंगे तब भी ये हमारे पास आ जाएगा। तो उसके बाद मैं जाऊँगा कैमरा रोम में, इमेज मर्ज करने के बाद कैमरा रोम में गया और इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग इसकी शो करूँगा ताकि थोड़ा सा अच्छा और ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो करीब करते हैं इसको, देखें। उसके बाद सबसे पहले मैंने इसकी क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ाया, इसको थोड़ा सा हार्ड किया और इसकी वाइब्रेंस को थोड़ा सा कम किया। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सैचुरेट किया और बस अपने ऑप्शन करके देखेंगे, क्लिक करके किसके पर कौन से ऑप्शन पे हमारे पास थोड़ा सा बेहतर आ रहा है। तो ये यहाँ से मैंने इसके टेंट को वो किया, फिर मैं इसके इफ़ेक्ट्स में आ गया, जूम आउट करके देखेंगे कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसकी अमाउंट, हम इसके अमाउंट को थोड़ा सा मूव करेंगे, इसके देखें एजेस इसके थोड़े से डार्क हो गए, थोड़े से डार्क यहाँ पर देखें बैकग्राउंड के, यहाँ पर एजेस इसके थोड़े डार्क हो गए अमाउंट से, और इसकी डिटेल थोड़ी और ज़्यादा हो गई। बस ये हमारे ख्याल में आई थिंक काफ़ी है, इसको ओके किया। और ये देखें, अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ बिफ़ोर एंड आफ्टर, ये आफ्टर है, ये बिफ़ोर है और ये आफ्टर है, देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है हर चीज़ में। इसके डिटेलिंग चेक करें, ये देखें ये बिफ़ोर और ये आफ्टर, बिफ़ोर और ये आफ्टर। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, ये हमारा ट्यूटोरियल रेडी है, ये इमेज हमारी रेडी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसमें कोई चीज़ पूछना हो तो आप हाँ पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, ट्यूटोरियल कैसा लगा। और अगर आपको इसकी PhD चाहिए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपना पर्सनल ID इसमें टाइप करें, नीचे लिखें, मैं आपको पर्सनली अपनी ईमेल से आपको इसका PhD का लिंक सेंड करूँगा। काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारी मेरी PhD ली हैं और वो खुश हैं लेके, और उन्होंने काम देखा ताकि उनके स्टेप बाय स्टेप लेयर उन्होंने ऑन ऑफ करके देखी, यकीनन उनको समझ में आया, अच्छा लगा। और इसलिए अगर आपको इसकी PhD चाहिए तो मुझे देने में कोई हर्ज नहीं है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी तो शेयर भी करें, और PhD लें अपने पास, देखें खुद, ट्राई करें खुद, बना के देखें, कुछ अगर समझ में ना आया हो तो मैसेज करके बताएँ। थैंक यू वेरी मच।